अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फरहत भट्ट, न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया से। और आज हम प्रेस क्लब में आए हैं और यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जम्मू जो है हम एक बहुत ही डेवलप सिटी बन गई है और यहाँ पर हर फील्ड के जो है वो बंदे निकल रहे हैं। हर फील्ड के जो है हर चीज़ में जम्मू हमारा अभी आगे हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्रीज़ हो, नाटक का मंच हो या स्पोर्ट्स हो। लेकिन यहाँ पर अच्छे कोच की, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइड्स की, जो बच्चों के फ्यूचर को इन्हांस करने के लिए एक टीम का और एक अच्छे टीचर का और एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं मिस्टर जोरावर सिंह जम्वाल जी से। ये टीम जम्मू के चेयरपर्सन हैं और हम इनसे जानेंगे कि स्पोर्ट्स को सामने लाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं टीम जम्मू के जोरावर सिंह जम्वाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। टीम जम्मू ये जो आज आपने डिक्लेयर किया है, इसका क्या मतलब है, ज़रा आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? देखिए, टीम जम्मू की तो 2014 में ही हमने जब शुरुआत नींव रखी थी, नवंबर 2014 में, और ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ लोगों को और नौजवानों को अवेयर करना कि किस तरीके से ना सिर्फ ये आपको, आपके परिवार को, बल्कि ये देश को जो है वो ख़त्म कर सकती है। तो हमने एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू की थी, उसके चलते लगातार निरंतर प्रयास है हमारा कि नौजवानों को ड्रग्स के चंगुल में नहीं फंसने देना। और उसके अलावा हमने ये चीज़ें भी देखी कि क्या वजह क्या रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो ठीक है, वो एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जहाँ कहीं पर भी उनको लगता है कि ड्रग्स का ये व्यापार चल रहा है। और हमने देखा पिछले एक दो सालों में बड़ा, बहुत बड़े पैमाने पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, जैसे हीरोइन, ओपियम भी सीज़र किए गए, एफआईआर्स लगाए गए, ड्रग माफिया को धरपकड़ शुरू हुई। लेकिन हमने ये भी एक सर्वे किया कि इससे पहले कि नौजवान फ्रस्ट्रेट होकर उस तरफ जाए, आखिर क्या हम कुछ कर सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी रहती है। तो बड़ी बदकिस्मती से हमने एक चीज़ देखी कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स का बहुत पोटेंशियल है, देर इज़ नो डर्थ ऑफ डैट, लेकिन उसके बावजूद उसको, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, जिसको कहते हैं कि जैसे सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास फुल फ्लेज स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं रही और आज ये वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो हमारे 53 के करीब एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की। और अगर 53 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाया जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम भी 53 के करीब कोचेस हमें चाहिए। लेकिन अगर उसका टोटल करें तो टोटल 1100 के करीब अप्रॉक्सीमेटली बनता है। और हमारे पास एग्जिस्टिंग कोचेज और ट्रेनर्स कितने हैं? ओनली 55। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 55 कोचेस किस तरह से 1100 के करीब जो कोचेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। और हमने आज यही बार बार बात कही है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, क्योंकि जब से उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला है बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, और चूंकि वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं तो हमने उनकी इंटरवेंशन चाही है, उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है कि जिस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस और करप्शंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप उस पर एक टाइम बाउंड इंक्वायरी कीजिए। और जिस तरह से कोचेस की जो कमी है, और कोचेस हमारे पास NIS के वेल क्वालिफाइड कोचेस हैं, वो दर बदर हो रहे हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है। और यंग एज में अगर उनको नौकरी मिलती है तो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ला सकते हैं। और हाल ही में अगर हम एग्जांपल दें, इतना कुछ होने के बावजूद कि किस तरह हमारा नौजवानों में ये पोटेंशियल है, अभी हाल ही में जो IPL हुई है, रजौरी से हमारा एक नौजवान खेला है। अगर हम देखें तो रजौरी में कहाँ पे आपको दिख रहा है उस तरीके का क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर? और भी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चे और बच्चियों ने, शिवानी चाड़क ने माउंटेनरिंग में अपना नाम कमाया, इंटरनेशनल मेडल लेके आई है। लेकिन अगर हम माउंटेनरिंग की भी बात करें, यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे जम्मू में कोई भी फुल फ्लेज वॉल ही नहीं है जहाँ पे वो बच्चे जो है तैयारी कर सके। यहाँ से
दिखता है कि गवर्नमेंट जो बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया हुआ है. स्पोर्ट्स पॉलिसी है कि जो बच्चा या बच्ची अच्छा परफॉर्म करे, मेडल्स लाए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, उनको ना सिर्फ कैश प्राइज बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर है. पर यहाँ पर अगर हम देखें तो उस तरीके का फुल फ्लेज्ड स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है. और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बात करें, आप देखिए कितनी नॉन सीरियसनेस होगी कि यहाँ पे डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर की जो पोस्ट है वो वैकेंट पड़ी है, यहाँ पे चीफ स्पोर्ट्स अफसर की पोस्ट वैकेंट पड़ी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर की पोस्ट वैकेंट है. और ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि लाइजनिंग होती है गवर्नमेंट के साथ और कोचिज़ के साथ. जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ही मिसिंग होगा तो वॉट यू कैन एक्सपेक्ट. यहाँ से दिखता है कि किस तरीके से एक निगलेक्ट है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसके कारण हमारा यूथ जो कि स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बना सकता है लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होके वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहा है. तो ये बहुत बड़ा कारण है. मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रिवेंटिव इफेक्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट इससे पहले कि हमारा नौजवान नशे की जद में जाए उसको पहले ही इस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वो नेशन बिल्डिंग में काम आ सके. तो जैसे कि सर आपने बात की अभी एक करप्शन, तो स्पोर्ट्स में किस तरीके का करप्शन हो सकता है सर? देखिए जैसे अभी पीछे आप देखिए कि खेलो इंडिया की बात करें, पूरे देश भर में ये चला, जम्मू कश्मीर में भी चला, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रिपोर्ट्स आई कि यहाँ पे मैल प्रैक्टिस हुई, सब स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोक्योर किया गया. तो वो आज भी अंडर इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है. तो वहाँ से दिख रहा है कि किस तरह से स्पोर्ट्स के नाम पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करिए, आज भी आप पूरे जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ शहरों में, ना सिर्फ जम्मू शहर में, ना सिर्फ श्रीनगर में, आप जो यहाँ के दूर दराज इलाके हैं, एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, कहने को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, चाहे वो इंडोर स्टेडियम का था, छोटा या बड़ा वो अलग बात है, और या फिर ओपन एयर का बनाया. लेकिन आज भी आप जाके मैडम सर्वे कीजिए, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है. कहीं पे बिजली का प्रावधान नहीं है, कहीं पे अंदर जो मटेरियल इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए वो है ही नहीं, कोचिस भी नहीं है. तो यहाँ से दिखता है कि सरकार की जो वर्किंग है या जो ग्रास रूट पे या फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं कमी है, लाइजनिंग की कमी है, जिसके कारण पैसा तो हम कागज़ में देखेंगे तो बहुत लग चुका है लेकिन उसका यूज़ जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा. तो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करप्शन. व्हाट आई, तो सर आपने क्या सोचा है कि किस तरीके से इसको इजी और एक अच्छे वे में आप स्पोर्ट्स को है बुलाने की कोशिश करेंगे? हम यही कोशिश कर रहे हैं. अभी हाल ही में हमने जम्मू के रूरल बेल्ट्स में जम्मू के नौजवानों के साथ मिलकर, लोकल सरपंचस के साथ मिलकर, आपस में कंट्रीब्यूट करके अभी हाल ही में हमने 2 दिन का खेलो कबड्डी और एथलेटिक्स की इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए. गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी लेकिन हमारा यही एक था कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम अपने नौजवानों को ग्राउंड्स में रखें, उनकी सेहत तंदुरुस्त हो और उनको ये मोटिवेट कर सकें कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप अच्छे रहेंगे आपका परिवार अच्छा रहेगा और आप देश निर्माण में जो है आप अपनी आहुति जो है वो दे सकते हैं. तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर अपने साथ ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पीपल. तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें यहीं से ही अगर स्टार्ट करे, देर आए दुरुस्त आए. और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस चीज़ का संज्ञान लेंगे. अभी रोस्टर्स बनाए गए हैं कोचिज़ के कि जो भी कोचिज़ हैं वो एक एक महीना 45-45 दिन अलग अलग जो इनके स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया इनकम्प्लीट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जी ड्यूटीज़ देंगे. आप मुझे बताइए कि वहाँ पर इस पेंडेमिक में ना वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोचेज वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है. और एक और बात कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ तक है कि जम्मू के कोचेज के लिए तो रोस्टर बन के तैयार हो गए इस पेंडेमिक में भी, इस COVID-19 जो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी वैक्सीन बनना बाकी है. कश्मीर में एक भी रोस्टर नहीं बना है. व्हाट आर द रीजंस? क्या जवाब? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल में ही अपने आप जवाब दिखता है कि आज भी कहीं ना कहीं कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स जो है वो अपनी इंटरवेंशन करते हैं और वो अपनी जो अपीजमेंट पॉलिसी है वो कंटिन्यू हो रही है डिस्पाइट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, डिस्पाइट द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 35. तो ये कुल मिला के हमें यही लग रहा है कि जब तक हम ऐसे कदम ना उठाएंगे हम किस तरह से अपने यूथ को रोक सकते हैं कि वो उस तरफ ना जाएं और देश निर्माण की तरफ. थैंक यू सो मच सर.
जैसे कि हमने बात की मिस्टर जोरावर सिंह जम्वाल से, और उन्होंने बहुत अच्छी और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि यूथ को अगर बिज़ी रखना है, अगर यूथ को किसी दूसरे रास्ते पर या ड्रग अब्यूज़ से निकालना है, तो उनको जो है वो खेल में बिज़ी कर दिया जाए, या वो खेल में अच्छी तरीके से वो सामने आए, उसके लिए हमें कोचेस और गाइडलाइंस की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने अभी डिमांड रखी है, उससे पता चलता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू से बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर, कबड्डी प्लेयर और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो निकल कर आएंगे। कैमरामैन हिना के साथ फरहत भट्ट, न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।